नमस्कार दोस्तों, आशा निटिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये डिज़ाइन लेके आए हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन लेके आए हैं। ये 5 फंदों का डिज़ाइन है और मैं ये 32 फंदे डाल के लाई हूँ। ये आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। ये कार्डिगन में, जेंट स्वेटर में, कोटी में, जुराब में, टोपी में, मफलर में, आप किसी भी चीज में और किसी भी रंग में डाल सकते हैं। ये मोटी ऊन में भी डल सकता है, महीन ऊन में भी लगेगा। ये दोनों ऊन में ये अच्छा लगेगा। ये देखिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये मैं पहले से बॉर्डर बुन के लाई हूं। ये मैंने 12 नंबर की सिलाई पे ये बॉर्डर बुन रखा है। ये देखिए, इसके बाद हम 10 नंबर की सिलाई से हम आगे बुनेंगे, जिससे कि हम पूरा स्वेटर इसे 10 नंबर की सिलाई से बुनेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर ये धागा पीछे ले जाएंगे और हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 1, 2। फिर धागा आगे करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बुनेंगे। ये देखिए, ये 2 सीधे, धागा आगे किया, 1, 2 और ये 3 उल्टे, धागा इधर करा और ये 2 फंदे सीधे बुने। फिर धागा आगे करके हमने ये 3 उल्टे बुनने हैं। इसी तरीके से हम अंत तक बुनेंगे। अभी हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। उल्टी सिलाई पे हम उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनेंगे। अब हम इस तरफ से 3 सीधे हो जाएंगे हमारे और ये 2 उल्टे हो जाएंगे। धागा इधर करा, जो हमने इधर से उल्टे बुने थे वो इस तरफ से सीधे हो जाएंगे। ये 2, 3 और ये जो 2 सीधे बुने थे ये 2 उल्टे हो जाएंगे उल्टी सिलाई में। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बुनेंगे। देखिए, पूरी सिलाई इसी तरीके से बुनेंगे, 3 सीधे और 2 उल्टे हो जाएंगे। अब हम ये ऐसे घुमाएंगे और ये तीसरी सिलाई हम बुनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आ गया, 3 उल्टे 2 सीधे। अब हम ये जो शुरू के 3 उल्टे हैं, इन्हें हम एक उल्टा बुना, ये बीच का उल्टा बुना, अब धागा इधर कर दिया। अब जो एक सीधा और एक उल्टा, इसका हम छोटा सा केबल बनाएंगे। पहले ये पिछला फंदा हम थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे और फिर जो ये पीछे उल्टा है इसको भी हम ऐसे सीधा बुन लेंगे और अब इन्हें दोनों को सिलाई से नीचे उतार लेंगे। अब देखिए, ये सिलाई हमने ऐसे करी और इसके पीछे से हमने पिछले वाले फंदे को थोड़ा सा ढीला करके सीधा बुना और उसके बाद हमने ये पहला वाला फंदा ऐसे सीधा बुना और इसको उतार दिया। अब धागा आगे करा, अब ये जो हमने 3 फंदे बुने थे, इसका जो बीच वाला फंदा था इसको हम उल्टा बुनेंगे।
फिर धागा इधर करा, अब ये देखिए एक सीधा और एक उल्टा। इसमें हमने इसे थोड़ा सा खींचा और ये ऐसे सीधा बुना और फिर इसे ऐसे करके सीधा बुना और ये सिलाई से उतार दिया। अब इस सिलाई को ऐसे करके बीच में डाल के ये पिछला फंदा पहले ऐसे करके सीधा बुना, फिर अगला फंदा हमने ऐसे ये सीधा बुना। ये देखिए ये केबल आ गई छोटी सी। अब धागा ऐसे करके जो ये बीच का फंदा है इसे हमने उल्टा बुना, धागा पीछे कर दिया और फिर उसी तरीके से पूरी सिलाई करेंगे। पिछला फंदा पहले बुनना है, अगला फंदा उसके बाद बुनना है और उसको सिलाई से नीचे उतार देना है। फिर सिलाई ऐसे डाली, ये ऐसे करके सीधा बुना और इसको बाद में बुन के और ये नीचे उतार दिया। ये देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई होगी। फिर धागा घुमा के ये उल्टा फंदा बुना, धागा घुमाया, अभी एक सीधा है एक उल्टा है, थोड़ा सा खींचा और ये सीधा बुना, ये पहला फंदा बुना और दोनों फंदों को सिलाई से उतार दिया। फिर इसके अंदर डाल के हमने पिछला फंदा पहले बुनना है और फिर इसको बुनना है। ये हमने दोनों फंदे उतार दिए, धागा घुमाया, ये उल्टा फंदा बुन लिया। फिर ऐसे करके इसी तरीके से पूरी सिलाई बुननी है। ये बाद में ये एक उल्टा फंदा ऐसे बुन लेना है। अब हम सिलाई पलटेंगे और जो ये उल्टी सिलाई है ये पूरी सिलाई उल्टी आएगी। ये देखिए ये हमारा डिजाइन पड़ गया है। एक बार मैं आपको दोबारा डालना सिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, तीन उल्टे बुने थे, तो इसमें भी हम पहले एक दो और ये देखिए तीन उल्टे बुने, धागा इधर करा और जो ये बीच के फंदे हैं इन्हें दो सीधे बुने, धागा घुमाया और ये देखिए एक ये दो और ये तीन बुने, फिर जो ये दो बीच के इन्हें सीधा बुनना है, फिर धागा घुमाया और ये तीन उल्टे बुने। पूरी सिलाई ये हमारी ऐसी ही चलेगी। ये बहुत जल्दी बढ़ता है और हर रंग पे ये बहुत सुंदर लगता है। उल्टी सिलाई पे हमने
उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा घुटना है, तो क्या हो जाएगा, तीन सीधे और दो उल्टे हो जाएंगे। ये देखिए, ये दो उल्टे, और जो हमने इधर तीन उल्टे करे थे वो उल्टी स्लाइड में तीन सीधे हो जाएंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई बुनी जाएगी। ये देखिए, ये हो गई, ये चार लाइन की बुनाई है। ये देखिए, अब हम यहां केबल डालेंगे। ये देखिए, ये बीच का फंदा धागा इधर कर दिया, अब इसको थोड़ा सा ढीला करा और ये हमने ऐसे बुना, और अगला फंदा बाद में बुनेंगे और इसे सिलाई से नीचे उतार देंगे। अब ये देखिए, इसके अंदर डाला, पिछला फंदा बुना, ये देखिए पिछला फंदा, फिर उसके बाद अगला फंदा, और ये उतार दिया। फिर ये जो बीच का फंदा है इसको हमने उल्टा बुना, धागा पीछे घुमाया और इसको ऐसे बुन लिया। इसी तरीके से ये पूरी सिलाई बनेगी। ये अंतिम सिलाई, ये हमारी, ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। ये देखिए, ये हमारा डिजाइन तैयार है। ये देखिए, फ्रेम ऐसे बन गया है। ये देखिए, ये हमारा डिजाइन तैयार हो गया है। ये हमने पहले बनाया था और ये मैं बना के लाई हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से आप आगे बना सकते हैं। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।